वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसे और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, उस आपने कंप्लीट व्लॉग देखना है। एक तो उसमें होगा कि मुझे जो अम्मी ने ड्रेसेस दिए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरा जो है, आज मेरी सास के साथ मेरी लड़ाई हुई है, वो भी आपने ज़रूर देखना है, ठीक है ना? वो लड़ाई जो है वो कैसी लड़ाई हुई थी, क्यों हुई थी, वो सब आपको इस व्लॉग में। यासिन भाई इधर आ जाए, आप कहाँ घूमते फिर रहे हैं आजकल? आपके व्लॉग बड़े खुश है ना जी? जी माशाल्लाह। तो यासिन भाई तो ठीक ठाक हैं, खुश हैं माशाल्लाह से। और आपने जो है ना वो आजकल बड़े मजे मजे के ब्लॉग जा रहे हैं आपके। थैंक यू, ये माशाल्लाह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे आप तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। तो आप लोग ऐसे ही जो है ना यासिन भाई को सपोर्ट करें और इनको एक बड़ा यूट्यूबर बना दें। आप ही लोग होते हैं जो कि एक छोटे यूट्यूबर को बहुत बड़ा बना देते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर को बहुत छोटा बना देते हैं। तो आप लोग सबको जो है वो सपोर्ट किया करें, सबकी हेल्प करें। जिनको मेरी आईडी नहीं पता उनको भी बता दें। और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने ना मीन्स के 90% मैं चेक कर रहा था कि लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें यासिन के चैनल को, तो इसको बहुत ज़्यादा हिम्मत और मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के। एक सब्सक्राइब से आपको नहीं पता यूट्यूबर जो हैं वो कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जब आप इनको सब्सक्राइब करेंगे, इनको हेल्प करेंगे इनकी ग्रो होने में जी, तो ये इंशाल्लाह ऐसे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से कराची का भी। लेकिन शुक्र है यहाँ पे ना वैसी वाली सर्दी नहीं जो पंजाब में सर्दी होती थी, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और बच्चे जो हैं वो नीचे स्कूल वाले जो हैं वो उनकी आवाज़ें आ रही होंगी आपको। तो यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। वह और आज का जो मेरा व्लॉग है वो आप लोगों ने कंप्लीट जो है वो आज करना है। एक तो मेरी सासू माँ के साथ मेरी लड़ाई हुई, वो क्यों हुई वो भी आप लोग देखेंगे। दूसरा जो है, मेरी अम्मी ने जो मुझे ड्रेसेस दिए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के जो। मैं पंजाब क्यों गई थी, आप लोगों का सवाल आ रहा था। एक तो आप बच्चे छोटे छोटे छोड़कर पंजाब जो हैं वो क्यों चली गई थी, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं पंजाब क्यों गई थी छोटे छोटे अपने बच्चे छोड़कर। बैठ कर बताऊँ या फिर यहीं पर खड़े होकर बता देती हूँ? बहुत ज़्यादा यार अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। यहाँ पे आवाज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा लग रहा है अपने घर में आके वापस, लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो अच्छी लगती हैं। कभी इंसान यहाँ पे कभी वहाँ पे, एक ही जगह पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोरियत होना शुरू हो जाती है और इंसान वाकई में बोर हो जाता है ना। इसे कि तुमने अपना कोई भी सफ़ेद बाल जो है ना तो उसको तोड़ना है ना कलर करना है, तो मैंने कहा आप बहुत तेज़ हैं, अपने तो कलर करवा लेते हैं बाल और मेरे नहीं करवाने हैं। तो इसको छुपाने के लिए क्या किया जाए आप लोग ही मुझे बताइएगा। वैसे ये बड़ा बुरा लगता है यार, लेकिन मैं इसको तोड़ूंगी नहीं। आपकी बहन बुड्ढी हो गई अभी, बुड्ढी। तो चलिए जी, वॉइस ओवर में ही मैं बता देती हूँ साथ साथ अपना व्लॉग भी जो है वो स्टार्ट करती हूँ कि मैं पंजाब क्यों गई थी। और इसके अलावा भी जो कुछ आप लोग के सवाल थे वो भी करूँगी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने लगे हैं। नाश्ता इनको बनाकर दे दिया था मैंने, ब्रेड चाय वगैरह जैम दे दिया था, साथ में मलाई दे दी थी। तो बस बच्चे अभी जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और अभी ये स्कूल चले जाएँगे। उसके बाद अयान और हुसैन जो है उनकी आज छुट्टी है, और क्योंकि ये व्लॉग जो है मेरा वो एक दो दिन पहले का है, तो उस टाइम जब छोटे बच्चे थे उनकी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। अब तो जो है वो बच्चे जो हैं छोटे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, सबके जो स्कूल है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो बस अभी सुबह सुबह का टाइम है, मौसम जो है वो बहुत ही मज़े का लग रहा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ का जो मौसम है वो पंजाब के मौसम से चलें फिर भी कुछ बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमें वो मोटी मोटी शाल और स्वेटर और रज़ाइयाँ कंबल वगैरह में घुसना नहीं पड़ता है। यहाँ पे जब सुबह उठ जाते हैं तो उसके बाद इजीली हम लोग आराम से अपने वही नॉर्मल सूट में जो है ना हम घर में घूम फिर सकते हैं। तो है यहाँ पे जो कल मैं साग लेकर आई थी पंजाब से, आप सबको दिखाया था मैंने, अम्मी ने जो है वहाँ से, मेरी जो हाला हैं उन्होंने अपने खेतों से जो है वो फ्रेश साग जो हमें तोड़ कर दिया। तो मेरी सासू माँ ने बनाया था, उन्होंने कुछ जो है ऊपर भेज दिया, कुछ नीचे रख लिया, क्योंकि हम लोग इतने शौक से साग खाते नहीं, मेरे हस्बैंड खाते हैं और बच्चे खाते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कभी कभी लगा कर खा लेती हूँ, लेकिन साग बहुत ही मज़े का होता है यकीन करें। और पंजाब के साग की जो देसी साग होता है इसकी तो एक अलग ही मज़ा है ना इसका। तो बस अभी मैं नाश्ता रेडी कर लूँगी और नाश्ता जो है वो हम लोग कर लेंगे, मैं थी अयान हुसैन और इनके पापा जो है वो करेंगे। यासिन भाई अभी जो है वो फ्रेश हो रहे हैं तो वो भी फ्रेश होकर आ जाएंगे, फिर हम नाश्ता जो है अपना कंटिन्यू करेंगे। और नाश्ते में साग है, पराठे हैं, साथ में अंडे हैं, मलाई वगैरह है, बस यही चीज़ें थी। दही वगैरह मंगवा लिया था मैंने,
तो बस अभी नाश्ता रख रही थी, सोचा छोटा सा क्लिप भी निकालूँ। उसके बाद जो कपड़े हैं जो कि मेरी अम्मी ने दिए थे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ ही मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं पंजाब मेरी जाने की वजह क्या थी। असल में मैं पंजाब जब गई थी तो उससे पहले, पंजाब जाने से पहले मेरा ना कुछ दिन तक जो कानों में से ना आवाज़ें आना शुरू हो गई हुई थी। तो मतलब एक पता नहीं क्यों अजीब सी, जैसे हर वक्त आंधी सी चल रही थी कानों में ना, तो मुझे सारे कहने लगे तुम्हें बीपी तो नहीं है, बीपी हाई तो नहीं हो गया तुम्हारा, जाके चेक करवाओ चेक करवाओ। मैं चेक करवाती थी तो बीपी बिल्कुल नॉर्मल होता था मेरा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे हो क्या रहा है। तो यकीन करें मैं अपने आप जिसे कहते नहीं कि एक डिप्रेशन में जाती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कराची में यहाँ का माहौल कैसा ऐसा है कि आप लोगों का इतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता। दोस्त आप बना लेते हो तो अक्सर ही आपके साथ जो है ना वो दोस्तें आपकी अच्छी नहीं निकलती हैं ज़्यादातर, जो कराची की फ्रेंड्स होती हैं। क्योंकि जो कराची के रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर अक्सर ही जो है ना वो दोस्तें जो हैं वो आपको मतलब कि सही नहीं निकलती हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रही हूँ। मैं हर किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, कराची के बहुत सारे व्यूवर्स हैं मेरे साथ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, या फिर यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं बहुत बुरे लोग भी हैं, हर तरह के लोग जो हैं वो आपको कराची में मिलते हैं। कराची में क्या, पंजाब में भी, दुनिया के हर हिस्से में जो है ना वो आपको अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिलते हैं। तो बस मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ की, मैंने जो दोस्तें बनाई थी वो कोई अच्छा नहीं रहा है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग दिल पे ले लें और आप मुझे बोलें कि भाई नौरीन क्या बोल रही है, ठीक है ना। तो बाकी जो है यहाँ पे इतना बड़ा कोई खानदान भी नहीं है, तो बाकी देवरानी अपनी लाइफ में जैसे मैं बिज़ी हूँ वो भी अपनी लाइफ में बच्चों में बिज़ी हैं। तो मेरी सासू माँ तो वो मेरे पास आ जाती हैं कभी कभार, तो यहाँ पे जो सासू माँ का सूट है मैं उनको वो दे रही हूँ जो कि अम्मी ने दिया था कि ये अपनी सासू माँ को देना। क्योंकि अम्मी की और जब मेरी सासू माँ ना इनकी आपस में हंसी मजाक और इस तरह से जो है वो बातें चलती रहती हैं, तो काफ़ी जो है ना आपस में इनकी आपस में जो है ना वो दोस्ती भी है मेरी अम्मी की और मेरी सास की। तो जब फ़ोन करती हैं तो एक दूसरे से काफ़ी जो है ना वो खुली जो है वो बातें भी कर रही होती हैं। तो अम्मी ने जो है फिर वो सूट भेजा था और मैं अम्मी को बोल रही थी कि अम्मी खोल कर दिखाएं, अम्मी जो है वो शिफॉन का दुपट्टा नहीं लेती हैं, तो इसीलिए अम्मी के लिए जो है ना वो एक तो कपड़े मैंने कहा था अम्मी ऐसे देखिएगा जो कि कराची के लिहाज से हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मोटा कपड़ा जो है वो ज़्यादा टाइम चलता नहीं है, 10-15 दिन पहना जाएगा फिर उसके बाद वो पूरा साल जो है वो पड़ा ही रहेगा ना। तो इसलिए मैंने कहा कि अम्मी उस तरह का कपड़ा देखें जो पहना भी जाए। तो यहाँ पर ये साइड पर जो है वो बॉर्डर है, तो सामने जो है वो सारा प्रिंट हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो है वो गला बना हुआ और दामन इस तरह से प्रिंटेड है और हल्की सी ना कढ़ाई है जो कि कलर कपड़े के साथ का ही जो है ना वो कलर की कढ़ाई थी, जो कि मुझे करीब से दिखाना चाहिए था, तो अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे खुद भी जो है वो ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये कपड़े हैं जो कि अम्मी दिखा रही हैं, इसके बैक और बाजू वगैरह भी सब दिखाएंगी। तो मैं अपनी बात भी कंप्लीट कर लूँ साथ साथ कि जब मेरी कानों में इस तरह से आवाज़ें आने लगी थी और फिर मैं यकीन करें मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मैं जब बीपी भी चेक करवाती थी तो सब नॉर्मल होता था। फिर मैं उसके बाद जब पंजाब गई हुई किंग करें, मैं 10 दिन वहाँ पे रही हूँ, तो उसके बाद मुझे वहाँ भी शुरू शुरू में इसी तरह से कानों में से आवाज़ें आती थी, लेकिन 10 दिन बाद जब गुजरे हैं तो उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। अभी भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि अब जो है मेरे कानों में वो आवाज़ें नहीं आती हैं जैसे शां शां की आवाज़ें आती थी या मेरा सर हर वक्त भारी रहता था, तो अब वो चीज़ें मुझे फील नहीं होती हैं क्योंकि अब मैं थोड़ा सा जो है ना वो फ्रेश हो गई हूँ। वहाँ पे जाकर जो है वो कुछ दिन के लिए रह कर आ गई हूँ, क्योंकि मैं टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हूँ किसी भी चीज़ की, चाहे वो बच्चों की है घर की है इवन काम वाली की है हस्बैंड की है हर चीज़ की, मुझे टेंशन पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा लेती हूँ ना, मैं अपने ऊपर सवार कर लेती हूँ उस चीज़ को। यहाँ तक कि बच्चा अगर ज़रा सा भी जो है ना वो उल्टा सीधा कुछ कर रहा है, टेढ़ा बैठा हुआ है, मतलब कि बाल उसके सही नहीं है, स्किन उसकी ख़राब हो रही है, तो मुझे उसकी भी उन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो बस यही चीज़ें जो है ना वो कर करके मैं बहुत ज़्यादा मेरा सर भारी सा फील हो रहा था। तो अब अल्लाह का शुक्र है पंजाब का चक्कर लगाई हूँ तो अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे मैं एक फ़ुटबॉल जो कि मैंने निकाली, बैट बॉल जो है वो बच्चों को दे दिया था, उसके अलावा जो मेरे कपड़े हैं आप लोग अभी देखेंगे, अम्मी का सूट मैंने अम्मी को दे दिया था और चावल जो है वो तो आपको पता ही है भाई ने जो है वो माशाल्लाह से 50 किलो चावलों का थैला जो है वो मुझे दिया है, और उसके अलावा जो कपड़े हैं वो ये वाले थे। और मेरी किसी बहन ने कहा था कि आपने इतना महंगा कुर्ता ले लिया तो उसकी बजाय आप 3 पीस जो है ना सूट ले लेती, तो 3 पीस सूट भी वहाँ के सस्ते नहीं है, बहुत ही महंगा है सियालकोट। तो ये जो सूट आपको मैं दिखा रही हूँ मेरे ख्याल में, क्योंकि ये मैंने अम्मी और भाई तीनों ही गए हुए थे और वो मुझे कह रहे थे कि तुम पसंद कर लो, ये सूट जो है मेरे भाई ने पसंद किया था, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत बारीक वाला प्रिंट है इसके ऊपर और दूसरा जो है इसका गला बना हुआ है। और इसको मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अनरखा जो स्टाइल होता है उसमें बनवाऊँगी जब फिर आपके साथ शेयर करूँगी। कलर भी बड़ा खूबसूरत है इसका और ये मतलब कि 12 महीने जो है ना वो भाई कह रहे थे कि आप पहन सकते हैं, मतलब गर्मियाँ सर्दियाँ जो है ना ये पहन सकते हैं ये कपड़ा ऐसा है कराची के लिहाज से। पंजाब में तो ये नहीं पहना जाएगा क्योंकि वहाँ के लिहाज से तो ये कपड़ा काफ़ी ठंडा होगा,
तो ये दूसरा जो सूट है वो ये वाला है, और ये भी मेरी अम्मी ने पसंद किया था, तो ये भी बड़ा ही खूबसूरत है दोनों। और जो दूसरा वो नीचे जो ब्राउन वाला मैंने दिखाया ना, उसकी जो प्राइस थी आई थिंक 2800 थी कुछ इस तरह से ना, तो ये वाला जो सूट है ये भी कोई 2500 का था इस तरह से। मतलब कि कपड़े ये भी सस्ते नहीं है, कपड़े जो है वो मैंने जैसा कि ब्रांड का कुर्ता, सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि वो जस्ट एक कुर्ता था, और ये 3-पीस सूट है। तो लेकिन ये है कि जब आप ब्रांड की कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको पता है कि जब वो पहनते हैं तो उसमें आपकी लुक आती है और लगता है कि वाकई में आपने कोई चीज़ पहनी है। ये होते तो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन आप इनको ना मतलब किसी भी इवेंट में भी पहन सकते हैं। एक तो बहुत डिसेंट लुक आती है आपकी, दूसरा जो है ना लगता है कि आपने वाकई कोई चीज़ पहनी हुई है। तो इसको अभी मैं प्रॉपर तरीके से मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, ये मेरी बहन ने जो है दिया उसकी मैं यहाँ पे दे दूँगी स्क्रीनशॉट उसके चैनल का। अक्सर आप लोग बोलते हैं कि अपनी बहन का लिंक दें, तो यहाँ पे मैं उनका नाम जो है वो दे देती हूँ। मेक ओवर एंड अप जो है उनके चैनल का नाम है, जिन्होंने ये कुर्ता जो है वो मुझे दिया था। और उन्होंने जो है मुझे बोला था कि अगर आपने अब जो है मेरा नाम ना लिया अपने चैनल पर तो फिर देखिएगा। तो यहाँ पर 4990 रुपये का जो है ना ये कुर्ता है मेरा, 10 रुपये कम 5000 का कुर्ता है, ठीक है। तो ये कुर्ता जो है बहुत ही सिंपल है, और इसमें आपको देखकर तो लगेगा नहीं कि 5000 वाली चीज़ क्या है, लेकिन ये जब पहनते हैं, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि जो कपड़े महंगे होते हैं वो एक दफ़ा तो आपको तकलीफ़ होती है कि यार इतना महंगा ले लिया, इसमें है क्या, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। फुल ओपन शर्ट है, आप देख सकते हैं सामने इसके सारे जो हैं वो बटन लगे हुए, और अगर आपको मैं बाजू दिखाऊं तो बस ये इस तरह से सिंपल से इसके बाजू हैं, कढ़ाई हुई हुई है बाजुओं पर, और बस ये है। अच्छा, इसके साथ जो मैचिंग के लिए ना मुझे आप लोग जो है ना वो बताइएगा कि मैं इसके साथ वाइट मैच करूँ या ब्लैक, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि आप इसके साथ जो है ना वो हाफ वाइट जो है दुपट्टा और ट्राउज़र करिएगा, तो वो तो मेरे पास वैसे पड़ा हुआ है, अगर मैं वो लगाती हूँ तो मुझे उस पर भी कोई फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में मेरा जो है ना वो हो जाएगा। अगर ब्लैक करती हूँ तो फिर उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। और ये जूता जो है एक अम्मी ने अपने लिए लिया था, अम्मी ने तो फुल वो बंद वाला लिया था, तो मुझे अम्मी ने फिर ये वाला दिला दिया। अम्मी कह रही थी ले लो, तो मैं कह रही थी कि नहीं अम्मी रहने दे, मैंने अभी लिया था घर में पहनने वाला जूता ना, फिर अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती ये एक जूता जो है वो दिला दिया था। कि तो अभी इसके बाद जो है मेरी सासू माँ की मेरे साथ ज़रा लड़ाई देखी, बहुत ही फ़नी सी भी है और बहुत मज़े की है, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी सासू माँ मुझे डांट रही हैं, डांट रही है, मेरा बुक चाप कर आप लड़की भी है, तो शर्म नहीं आती है, दस्यो जरा तुसी आके, तुसी नहीं कहंदे कि मैं भी बनावांगा अपनी चाह जरा शाम दी, जद भी आवे पुत सुला मारेगा खाना खाना। अम्मी अम्मी सच दस्यो, ए झूठ ना बोलो कि मैं नहीं पुछदी तुहानू, नहीं 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 है, गलत है, मेनु मेरे व्यूअर मेनु सुनान लग जाएंगे, तुसी सस नु खाना नहीं पुछदे, झूठ ना बोलो अम्मी, झूठ नहीं, सची दसो मैं खाना नहीं पुछदी तुहानू। हां पुछा, हर बार तुम खेली जहा बैठी कोई पुछदी है नी, मां जी कोई चाह चू पीनी है कि नहीं पीनी, मेरा पुत्र चाह पका के दे है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सासू माँ जो है मेरे साथ लड़ाई कर रही हैं, कह रही हैं कि मेरा पुत जो है वो चाय बनाता है, और पुत जो है ना वो अपनी मर्जी से चाय बनाता है, पुत कहता है कि शाम की चाय मैं खुद अपने हाथों से पीऊंगा, अभी मैंने शाम में बनाकर भी दिया आसिफ को चाय, फिर भी जब अम्मी आती हैं तो वो कहते हैं कि मैं खुद ही बनाऊंगा, मैं खुद ही बनाऊंगा, तो फिर भी मेरी सासू माँ मेरे साथ लड़ती रहती है। मेरी मामू भी उठे मेरे पुत्र को पकानी पड़ेगी ना, बताओ जरा, बताओ जरा, आप ही आप बोली जहां ही नहीं बैठी सास नु टाइम ही नहीं दी, थोड़ा बहुत अम्मी आपके पास ही तो बैठी रहती, मैं और कहां जाती हूं भला, फोन पर खेली जहां बैठी गल बात करा कोई, फोन पे नहीं खेलती हूं वो, मैं आप मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं वो मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं उनके कमेंट्स रीड करती हूं, उनसे बात कर रही होती हूं, उनको रिप्लाई कर रही होती हूं, अम्मी वो भी तो है ना मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरे व्यूवर्स भी। अच्छा, आप एक दफा बोल देना नूरीन के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नहीं आप बोले नूरीन के चैनल को अम्मी नूरीन के चैनल को सब्सक्राइब करें, अम्मी सब्सक्राइब करें। अच्छा मैं एक बारी कहूँ सिस्टम, क्या एक बारी कहूँ सिस्टम
ਕਿਉਂ ਜਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਅਮੀ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਮੀ ਆਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ ਨੀ ਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੈਸੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਆ तो ये था हमारा मजाक और हंसी मजाक में हम लोग लग रहे हुए थे लड़ने और मेरी सासू माँ इसी तरह मेरे साथ अक्सर लड़ती हैं और मैं भी फिर उनके साथ लड़ती हूँ दोनों मजाक मजाक में लड़ते हैं ऐसा नहीं कि कभी सीरियस में हमारी लड़ाई हो अल्लाह ना करे कभी हो भी तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हैं अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे सेहत दे तो माशाल्लाह से जैसी मेरी सास है मैं हमेशा ही कहती हूँ ऐसी किसी की सास होगी नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं अच्छा यहाँ पे अम्मी जब जा रही थी हम वापस आए तो बिल्ली के ना गले में एक शॉपर सा जो था ना वो लटका हुआ था और इतना हम लोग डर गए थे देखकर मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि किसी तरीके से जो है ना ये निकालें ऐसा ना हो कि इसका गला बेचारी का जो है वो दब जाए या कुछ इस तरह लेकिन वो जितना पास जाते थे तो बिल्ली आगे आगे भागती थी वो जितना पास जाते थे बिल्ली उतना ही आगे भागती थी तो फिर है हम लोगों ने जो है वो उसको छोड़ दिया तो सुबह तक जो था ना उसने खुद ही निकाल लिया था पता नहीं कैसे तो अभी बस व्लॉग एंड करने जा रही हूँ तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बाकी जो है कहीं भी कोई भी मिस्टेक होगी हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा तो बिल्ली की जो आँखें हैं वो देखें ज़रा कितनी खौफनाक लग रही हैं यकीन करें किस तरह से चमक रही हैं हर कलर उसकी आँख में आ रहा है बिल्ली की ना तो बाकी इस तरह अक्सर जो है वो हम लोग जब खौफनाक ड्रामे देखते हैं तो इसी तरह डर लग रहा होता है बिल्लियों को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में कोई इस घर में कोई भूत होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो ओके जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा लाइक जरूर करिएगा न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर सी यू